सभी किसान भाइयों को नमस्कार। कौशिक हॉर्टिकल्चर फार्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की वीडियो गांव दिनौद जिला भिवानी हरियाणा से स्ट्रॉबेरी खेती को दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्ट्रॉबेरी खेती के अंदर मल्चिंग कर दी है, प्लांट को बाहर निकाल दिया है और अभी एक महीने का प्लांट है, ग्रोथ का समय है। किसान साथियों, स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छी खेती है और बहुत महंगी बिकती है और इसके अंदर एक अपने किसान भाई हैं जो उनसे बात करते हैं। इन्होंने स्टेंस कंपनी का 5 मेन आइटम यूज किया है, उसके बारे में बात करते हैं, कैसे यूज किया है, कितनी मात्रा यूज की है। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। ये जो आपने 5 मेन डाला है, हाँ। इसकी डोज कितनी डाली है प्रति एकड़ के हिसाब से? ये प्रति एकड़ में हम तो सर 200 ग्राम डाले हैं। ये देखिए 200 ग्राम प्रति एकड़। आपने इसमें प्रयोग कैसे किया है इसको? इसको पानी में कम से कम 15-20 लीटर पानी में इसको घोल बनाकर और एक घंटा उसको घोलने दिए, इसके बाद में फिर उसको ड्रिप में चलाया। एक घंटा पानी के अंदर घोल के रख के ड्रिप के अंदर चलाया है। ये देखिए स्टेंस कंपनी का 5 मीन है बायो स्टिमुलेंट। इसके अंदर फास्फोरस है, सल्फर है, जिंक है, नाइट्रोजन है और फेरस है। पांचों के पांचों माइक्रो न्यूट्रेंट बहुत ही अच्छे हैं और इसमें जो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है वो फिक्सिंग है, नाइट्रोजन फिक्स करता है रूट के अंदर। और इसका कैसा आपको रिजल्ट, अगर आपकी खेती में कितना सुधार हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? इससे डालने से हमें 2-3 दिन बाद ही बढ़िया पत्ते का थोड़ा रंग अच्छा लगा जी, और ग्रोथ में भी बढ़िया है जी और फसल भी बढ़िया चल रहे हैं। आप दूसरे किसान साथियों को इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके हम यही कहना चाहेंगे दूसरे किसान भाइयों को कि अगर आपका ये दवाई मिल जाते हैं तो आप इसे प्रयोग जरूर से जरूर करें। ये थे स्ट्रॉबेरी के किसान साथी सूरज, इनका कहना है कि आप भी इसका प्रयोग जरूर करें। मैं बताना चाहता हूँ स्टेंस कंपनी का 5 मेन आइटम है, माइक्रो न्यूट्रेंट का बायो स्टिमुलेंट कंसंट्रेट है और जैसा कि आपके नाम से आपको पता है 5 मीन, इसके अंदर 5 मिनरल्स हैं, बहुत ही ज़रूरी मिनरल्स हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इसका प्रयोग करें और अपनी खेती की जो स्वास्थ्य है उसको सुधारिए और खेती की इनकम को बढ़ाइए। आप गांव दिनौद से स्ट्रॉबेरी की खेती के अंदर ये प्रयोग देख रहे हैं। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।